सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सिद्धिदात्री की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते। जनों, आज नवरात्रों का नौवा दिन है। आज के दिन पावन नवरात्रों का समापन हो जाएगा। नवरात्रों के नौवे दिन माता सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माता का यह रूप संपूर्णता का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो चलिए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की महिमा एवं कथा और पूजा विधि। झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नौवे दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता सिद्धिदात्री का यह रूप बड़ा ही अलौकिक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माता सिद्धिदात्री जगत की संपूर्ण शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इनका पूजन करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। सिद्धिदात्री माता तो सब पर कृपा बरसाए, सिद्ध
माता सिद्धिदात्री का अवतार कैसे हुआ और इनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा, इसकी एक बड़ी ही पावन कथा है। कहते हैं जब असुरों के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान हो गए तो वे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के पास आए। तीनों देवताओं ने मिलकर के एक शक्ति को उत्पन्न किया, उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। वही रूप है जो सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने इसी रूप का ध्यान लगाया था, तब वो अपना अर्धनारीश्वर रूप बना पाए थे। ब्रह्मा जी, यदि सृष्टि में नर ही नर होंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ पाएगी? आखिर एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा और आपको फिर से सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। अतः आप नर के साथ नारी का भी रूप बनाएं ताकि वंश आगे बढ़ सके। का सौंपा है कार्यभार, बोले
कथा सुनाते हैं। नौवें दिन नवरात्रों में इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बताया कि नारी के बिना तो सृष्टि का आगे बढ़ना ही संभव नहीं है। जब एक दिन ये नर वृद्ध हो जाएंगे तो मृत्यु को भी प्राप्त अवश्य होंगे, और जब इनका कोई वंशज ही ना होगा तो सृष्टि फिर से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपको नारी की रचना करनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन में नारी की रचना करने का विचार नहीं आ रहा, नारी की रचना कैसी होनी चाहिए, भोलेनाथ आप ही बताएं। भोलेनाथ नारी का स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते थे, किंतु ये ऐसे संभव ना था। इसके लिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाया। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता है। जब भगवान स्वयं भोलेनाथ ने ही इनके रूप का ध्यान किया था तो समझिए माता का ये रूप कितना महान और कल्याणकारी होगा। सिद्धिदात्री की पूजा विधि का वर्णन करेंगे, जिससे माता सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाएंगी।
भक्तजनों, क्योंकि आज नवरात्रों का समापन हो जाता है, इसलिए नवमी के दिन हवन करवाने की प्रथा भी है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री सहित सभी देवों का आवाहन भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के नाम की आहुति हवन में दी जाती है। इसके पश्चात आरती करके भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है।